नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा, आपका हमदर्द, आपका साथी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहां रावड़िया मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर जो 48 है, इसमें खड़ी हुई गाड़ी में फोर व्हीलर कार है और इसमें आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इस गाड़ी में पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई। ये रात्रि का मामला है, रात को करीब 12:15 बजे के आसपास का मामला है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये देखिए, गाड़ी को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस प्रकार से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि रात के समय मोटरसाइकिल पर बैठकर के आए थे और ये देखिए कार को किस प्रकार से पूरी तरह जला करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दो लोग आए थे मोटरसाइकिल पर और कार को आग लगाकर फरार हो गए। कंबल ओढ़ करके ये लोग आए थे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, देखिए कार के अंदर का हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। ये देखिए कार पूरी जल करके स्वाहा हो चुकी है, पूरी सीट ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये टायर वगैरह और ये पूरा जला हुआ है, कार पूरी जली हुई है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए यहाँ पर ये पूरी कार जल करके राख हो चुकी है और ये रात में असामाजिक तत्वों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। दो लोग मोटरसाइकिल पर आए थे, कंबल ओढ़े हुए थे और उन्होंने इस कार पर पेट्रोल डाला है या कोई लिक्विड केमिकल साथ में लेकर के आए थे, वो डालने के तुरंत बाद ही ये कार ने आग पकड़ ली। रात को करीब 12:30 बजे का मामला बताया जा रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, अंदर से हम आपको एक बार फिर से नजारा दिखाएंगे। देखिए पुलिस रात में आई थी और पुलिस के द्वारा फिर इसको आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और वारदात के बारे में जानकारी ली गई है। हालांकि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इसका फायदा उठा करके जो असामाजिक तत्व हैं वे फरार हो गए। ये देखिए हम आपको पूरे एंगल से दिखा रहे हैं कार का नजारा। यहाँ आप देखेंगे ये देखिए चारों तरफ से कार का क्या हाल हो चुका है। पूरी कार को जला करके राख कर दिया गया और ये आप देखेंगे ये कार पूरी जल करके राख हो गई। ये मामला है रात के करीब 12:30 बजे के बाद का मामला बताया जा रहा है। रात में दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठ करके आए जिन्होंने कंबल ओढ़ रखा था और कंबल ओढ़ने के बाद में उन्होंने इस कार के पास में आकर के वारदात को अंजाम दिया। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आजकल अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होते चले जा रहे हैं। आए दिन वारदातों को अंजाम देते हैं, कभी चोरी की घटना होती है तो कभी हमले की घटना सामने आती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कार को किस तरीके से, ये रावड़िया मोहल्ला क्षेत्र में खड़ी हुई जो कार है उसको आग लगा दी गई। रात में ये कार जल करके स्वाह हो गई और देख रहे हैं कार का पूरा अंदर से नजारा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। ये देखिए ये अंदर से गाड़ी की सीट वगैरह सभी जल करके पूरी तरह, यानी इस तरह से कोई ऐसा लिक्विड डाला गया जिसके कारण ये आप देख रहे हैं कि पूरी कार जल करके राख हो गई। ये देखिए यहां से हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, कार के अंदर का ये नजारा है। ये पीछे की बैक साइड का नजारा आप देखिए कि किस प्रकार से आरोपियों ने, जो अपराधी हैं सामाजिक तत्व हैं, उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। ये देखिए स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे और ये गाड़ी के कांच, ये देखिए गाड़ी के कांच भी तोड़े गए, पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई गई है। कोई केमिकल उनके पास में था और उसको लेकर के यहाँ आप देख रहे हैं कि वारदात को किस प्रकार से इन लोगों ने अंजाम दिया है। ये देखेंगे यहाँ पर दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और आप देख रहे हैं कि कार की कंडीशन के हिसाब से कि किस तरह से जो आरोपी हैं उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए खड़ी हुई कार में आग लगा दी गई, ये रात का मामला है। उसके बाद अलवरगेट थाना पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची। हालांकि जो क्षेत्रवासी हैं उन्होंने ये बताया है कि पुलिस की कोई गश्त तक नहीं होती है इस क्षेत्र में, पुलिस कोई गश्त करने नहीं आती है रात्रि के समय और इस तरह के आरोपी वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। यहाँ और भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, देखिए आज एक गाड़ी के साथ हुआ है, दूसरी गाड़ी के साथ भी वारदात हो सकती है। इस प्रकार से और भी इस गली में गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए गाड़ी को जला करके और ये आरोपी यहाँ से फरार हुए हैं। असामाजिक तत्व बताए जा रहे हैं, दो लोग मोटरसाइकिल पर आए थे, कंबल ओढ़ करके आए थे और उसके बाद उन्होंने इस गाड़ी को जला करके और फरार हो गए, जिसके बाद ये गाड़ी पूरी धूं धूं करके जल गई। हम आपको गाड़ी के पीछे का भी नजारा दिखा रहे हैं। ये देखिए ये बैक साइड से आप देखेंगे कि किस तरह से गाड़ी को जलाया गया है, आकर के गाड़ी के कांचों को तोड़ कर और उसमें पेट्रोल डाल करके फरार हो गए। उसके बाद यहाँ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इसको आग को बुझाने की कोशिश की। उसके बाद अलवरगेट थाना पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची, सूचना पर जब उन्हें सूचना दी गई और उसके बाद में मामले का प्रसंज्ञान लेते हुए
और शिकायत दर्ज कर ली गई है अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये देखिए कार को किस तरीके से पूरी जला करके राख कर दिया है, यानी कि कुछ भी इसमें नहीं बचा है। ये आप देखिए किस तरह की घटना वारदातें सामने आ रही हैं। आए दिन शहर के अंदर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं और वो वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। देखिए सामने की जो फ्रंट की सीट है उसको किस तरीके से जला दिया है। इस कार में अब कुछ भी नहीं बचा है पूरी तरह, यानी कि इसी इरादे से लोग आए थे। जो भी आए जिन्होंने अपराध को वारदात को अंजाम दिया, उनका मेन मकसद ही यही था। किसी प्रकार की अब कोई रंजिश है या क्या है ये तो आगे के मामले से पता लगेगा, लेकिन आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि देखिए पूरी कार चल करके राख हो चुकी है, इस कार में कुछ भी नहीं बचा है। स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, ये देखिए कार को किस तरीके से जलाकर राख कर दिया गया। ये हम आपको फ्रंट से भी दिखा रहे हैं, स्टेयरिंग देखिए आप और सामने की दोनों सीट है, दोनों सीटों पर भी कुछ भी नहीं बचा है। जो सीट का एक यानी कि अंदर ना प्लास्टिक बचा ना कोई कपड़ा या गद्दी वगैरह कुछ भी नहीं है। कि किस तरह से कुछ ज्यादा ही केमिकल इनके द्वारा शायद लगता है छिड़का गया था या पेट्रोल था। दो लोग आए थे और उन्होंने कंबल ओढ़कर इस वारदात को अंजाम दिया और पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी में आग लगा दी। यह हम आपको दिखाएंगे, जानकारी देंगे कि किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया। और ये देखिए राबड़िया मोहल्ला क्षेत्र में खड़ी हुई कार थी, उस कार को किस प्रकार से आरोपियों ने, दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं कि आए दिन जो अपराधी हैं अजमेर शहर में उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। कभी कहीं वारदात को अंजाम देते हैं, कभी कहीं अभी फिलहाल ही शहर में चोरी डकैती और चैन स्नेचिंग की वारदात अंजाम दी जा रही है। वहीं पर ये आज एक नया मामला सामने आया है कि खड़ी हुई कार के अंदर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई और ये कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आइए हम आपसे जानकारी लेंगे, जिनकी कार है एक बार उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या हुआ, क्या मामला था। कुछ नहीं था, 12:30 की बात थी। इधर से आए इस गली में से लड़के, वहाँ खड़ी करे कम्बल ओढ़ रखा उन दोनों ने, पेट्रोल निकाला गाड़ी में से, गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के इसमें छिड़क के चले गए और इधर से गए। और पुलिस से ये अर्जन है कि इधर के सारे कैमरे खंगाले जाए। तो पुलिस आई थी रात में, रात को 2 अगस्त की पुलिस आई थी, फोन लगाया था छोटे वाले भाई ने। कोई किसी से कोई रंजिश या कोई ऐसा मामला? रंजिश तो बहुतों से चल रही है, यानी आरोपी है कोई ना कोई, जो कोई ना कोई तो आरोपी है ही है। तो फिर आग बुझाने की कोशिश की गई थी? पूरे मोहल्ले वाले खड़े हुए थे रात को, पूरे सब जनों आग बुझाई इसको, बाल्टी उल्टी पूरा मोहल्ला जगा वाला। और रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने थाने? अब जा रहे हैं, रात को वो लिख के लेके गए थे गश्त वाले, गश्त की पुलिस आई थी 2 जीप। दर्शकों देखिए जिस प्रकार से बता रहे हैं कि गश्त की जीप आई थी और उन्होंने यह जानकारी भी ली और उसके बाद में अब इनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कार की जो कंडीशन है कितनी बेकार हो चुकी है। ये कार है जो आप देख रहे हैं DL दिल्ली नंबर की गाड़ी है और ये अपने घर के बाहर ही खड़ी हुई थी और गली काफ़ी चौड़ी है, रास्ता भी काफ़ी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर चौड़े रास्ते के अंदर खड़ी हुई गाड़ी के अंदर ये टारगेट बनाया गया और इस तरह से गाड़ी को आग लगा करके और ये अपराधी यहाँ से तुरंत फरार हो गए। कंबल ओढ़ करके आए थे दो लोग, मोटरसाइकिल पर बताए जा रहे हैं जो जानकारी दी जा रही है जिस हिसाब से। हालांकि इस क्षेत्र में कोई CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं लेकिन आसपास के लगे हुए कैमरों को खंगाला जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से और आगे के तरफ जो कैमरे लगे हुए हैं उनसे संपर्क किया गया है ताकि ऐसे अपराधियों की जानकारी मिल सके जो बेखौफ होकर के किसी की सामान को और या इस तरह के वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं और आरोप अपराधों को अंजाम देते हैं, वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह के अपराधियों के जब हौसले बुलंद रहेंगे तो पुलिस को चाहिए कि ऐसी सख्ती बरते, गश्त लगाए क्षेत्र के अंदर और ऐसे आरोपियों पर निगाह बनाए रखे। ये देखिए हम आपको बिल्कुल नज़दीक से चारों एंगल से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये आरोपियों ने और अपराधी जो असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं बेखौफ होकर के, जिनके हौसले काफ़ी बुलंद है, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज में इतना ही, और भी जानकारियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।